स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस अ सिचुएशन, ठीक है, दैट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस. सो सिचुएशन इज दैट व्हेन अ सॉल्ट वाटर फिश इज ट्रांसफर्ड टू अ फ्रेश वाटर एक्वेरियम, देन इट गेट सडनली डाइज. क्लियर? सो इसका रीजन हमें एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है. सो दिस रीजन इज अगेन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस आपको पता होना चाहिए, इट इज सिंपली द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट. ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम आइदर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. सो इस चीज को ध्यान रखना. नाउ आई विल एक्सप्लेन द सिचुएशन, सी आउट. जस्ट सी नाउ, दिस इज अ फ्रेश वाटर एक्वेरियम. फ्रेश वाटर एक्वेरियम एंड दिस इज द सॉल्ट वाटर और यू कैन से सी वाटर फिश. क्लियर? सो व्हेन दिस इज यू कैन से शिफ्टेड टू फ्रेश वाटर, देन व्हाट हैपेंस? जो बेटा यहां पर जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, और सी की इसकी फिश की जो बॉडी के अंदर है, द वाटर इज लेस इनसाइड द फिश. सो जो वाटर है ये फिश की बॉडी के अंदर एंटर करेगा लाइक दैट. द वाटर एंटर्स इन द बॉडी ऑफ द फिश ड्यू टू विच ये जो फिश है बेटा इट गेट स्वेल्स एंड अल्टीमेटली इट सेल्स रप्चर्स. उसके सेल क्या करेंगे? रप्चर करेंगे. ठीक है, तो क्या कंडीशन है? वही ऑस्मोसिस वाली कंडीशन है. जैसे आप फिश को यहाँ ट्रांसफर करोगे, वाटर जो है वो फिश की बॉडी में एंटर करेगा, या सेल्स के बारे में भी बोल सकते हैं अगर हम बात करें ऐसे कि जो फिश की बॉडी है वो सेल की बनी हुई है, एनिमल सेल. ये यू कैन से दिस इज अ फिश बॉडी सेल एंड बेटा दिस इज प्योर वाटर. सो वाटर क्या करेगा बेटा? अंदर एंटर करेगा. वाटर एंटर करेगा तो फिश के जो सेल है वो क्या करेंगे? स्वेल्स करेंगे. द सेल गेट स्वेल्स एंड अल्टीमेटली दे गेट रप्चर्स. सो बेटा फिश की बॉडी के सेल रप्चर करे तो ऑटोमेटिकली फिश भी क्या करेगी? रप्चर कर जाएगी. या फिश की बॉडी के सेल अगर स्वेल करेंगे तो फिश भी क्या करेगी? स्वेल करेगी एंड अल्टीमेटली क्या करेगी? रप्चर. सो यहां पर हम लिखेंगे क्या? जस्ट सी आउट. द वॉटर एंटर्स इनटू द सेल्स ऑफ फिश ड्यू टू विच द सेल्स स्वेल्स और यू कैन से फिश स्वेल्स एंड अल्टीमेटली रप्चर्स लीडिंग टू डेथ. सो दिस इज द फिनोमेना दैट वी हैव एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस. कि ऑस्मोसिस पर ही हमने इसको एक्सप्लेन किया है कि व्हेन अ सॉल्ट वाटर फिश या सी वाटर फिश को आप फ्रेश वाटर एक्वेरियम में एंटर करोगे तो वाटर उसके सेल्स के अंदर या फिश के अंदर एंटर करना शुरू करेगा. द फिश इट गेट्स स्वेल्स एंड इट अल्टीमेटली रप्चर्स दैट लीड टू द डेथ ऑफ द फिश. बट फिर भी सारा फिनोमेना ऑस्मोसिस पर बेस्ड है. बी क्लियर? इफ द ऑस्मोसिस क्लियर तो ये सारी चीजें आपको क्लियरली यू कैन सी यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. एंड ऑस्मोसिस ध्यान रखिए, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन या फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस दैट व्हाट अ सॉल्ट वाटर फिश डाइज सडनली व्हेन ट्रांसफर टू अ फ्रेश वाटर एक्वेरियम.